सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। पूरे विश्व में कोरोना बांटने वाला चाइना इस समय भारत से दो दो हाथ करना चाहता है। आपको बता दें कि हमेशा से चाइना की नज़र भारत पे बुरी रही, क्योंकि चाइना चाहता है कि भारत की वो कीमती जमीन अपने कब्जे में ले, लेकिन हमारे देश के साहसी जवान और हमारे देश के जो वीर हैं वो कतई ये होने नहीं देंगे कि हमारी जो ज़मीन है वो चाइना में चले जाए। इसी की वजह से भारत और चाइना के सैनिक आमने सामने हैं और इसी झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जिसको लेकर हर एक भारतीय के दिलों में चाइना के प्रति गुस्सा हो गया है और लोग चाह रहे हैं कि चाइना की सामानों का बहिष्कार किया जाए, भारत में चाइना की कोई भी सामान न यूज किया। चाइना को जब आर्थिक स्थिति में झटका लगेगा तब उसे समझ में आएगा कि आखिर भारतीय क्या है, भारत के बाजार क्या है। इसी को लेकर लोग लगातार चाइना की सामानों को बहिष्कार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय मोबाइल क्रांति चल रहा है और भारत में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चाइना ऐप है टिकटॉक। वहीं टिकटॉक को लेकर काफ़ी लोगों में गुस्से का माहौल, वहीं लोग अपने मोबाइल से टिकटॉक जैसे ऐप अनइंस्टॉल कर रहे हैं। टिकटॉक, वीगो, लाइव, वीमार्ट जैसे ऐप को लोग अब अनइंस्टॉल करके भारतीय ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत दिनों से लोगों की यह चाहती कि अगर टिकटॉक को हम अनइंस्टॉल करते हैं, वीमार्ट को अनइंस्टॉल करते हैं तो भारतीय कौन सा ऐप है जो इसका जगह ले सकता है, लेकिन भारत में भी इस तरह का ऐप पहले से ही प्ले स्टोर पर मौजूद है। आपको बता दें कि यह है रोपोसो, जो चाइनीज ऐप से कहीं बहुत अच्छा ऐप है और लोग इसे वीडियो के साथ साथ पैसे भी कमा रहे हैं। आपको बता दें कि इस ऐप से न कि वीडियो क्रिएटर भी, लेकिन जो वीडियो देख रहा है वो भी कॉइन के साथ पैसा कमा रहा है। तो आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं रोपोसो। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।